यदि आप पंचायत चुनाव करवाने जा रहे हैं और पहली बार ड्यूटी कर रहे हैं या कई बार कर चुके हैं, तब भी आपको ये 40 प्रश्नों के उत्तर जानना अति आवश्यक है। और ये उत्तर यदि आप जान गए तो वहाँ पर आपको किसी भी मतपत्र लेखा हो, चाहे वो पीठासीन की डायरी हो या कोई प्रारूप हो, भरने में कोई भी समस्या होने वाली नहीं है, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो आप किसी भी पद पर हो, जो आप पोलिंग टीम में जा रहे हैं, चाहे वो आप पीठासीन अधिकारी हों, चाहे प्रथम पोलिंग ऑफिसर हों, चाहे तृतीय, तो देखते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो साथियों, नमस्कार। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको मैंने 40 प्रश्नोत्तरी दिखाई थी, जो कि यदि आप मतदान अधिकारी के रूप में किसी भी पोलिंग पर नियुक्त होकर के जाते हैं, तो आपके लिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना अति आवश्यक है। हालांकि नहीं भी जानते हैं तब भी आपका काम चलेगा, क्योंकि पीठासीन जो अधिकारी होता है उसको ज़्यादा डिटेल और जानकारी की आवश्यकता होती है। लेकिन ये आवश्यक है, यदि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है तो आप कहीं भी फंसेंगे नहीं, कोई समस्या के लिए ज़्यादा किसी से पूछताछ नहीं करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं आज उन 40 प्रश्नों के उत्तरों को, जो कि हमने कल आपको प्रश्न दिए हुए थे। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें देख लेते हैं, और जो पहला प्रश्न दिया गया है, एक एक प्रश्न को देख करके हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न है, एक मतदान स्थल में मतदाताओं की जो संख्या होगी वो लगभग कितनी रहेगी। तो अभी जो शासनादेश जारी किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, तो कोविड-19 के मद्देनज़र और एक साथ चुनाव होने के कारण, तो वहाँ पर 800 रहेगी। ये उत्तर प्रदेश के लिए चल रहा है, ये वीडियो उत्तर प्रदेश जो पंचायत चुनाव होने के लिए हैं उससे संबंधित वीडियो है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा डी, यानी कि 800 मतदाता। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, यदि अपरिहार्य कारणों या परिस्थितियों में वार्डों को तोड़ा जाए तो एक ही परिवार के सदस्यों को कितने मतदान स्थल में रख सकते हैं। तो देखो, किसी भी वार्ड को अपरिहार्य कारणों से तोड़ा जाए, लेकिन किसी भी परिवार में मान के चलिएगा 6 सदस्य हैं, तो 6 सदस्यों को एक ही आपको बूथ पर रखना पड़ेगा, किसी भी प्रकार से उन्हें तोड़े भले ही। उन्हें कोशिश यही रहेगी कि मतदान स्थल उनका चेंज ना हो, एक ही मतदान स्थल पर रहें। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो पहला वाला इसका उत्तर सही होगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो मतदाता कोई भी हो, उसकी न्यूनतम आयु पुरानी ही है, यानी कि 18 वर्ष न्यूनतम आयु को निर्धारित किया गया है। उसके बाद में चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है, और चौथा प्रश्न में पूछा गया है कि सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए कौन सा रंग निर्धारित किया गया है। जो बैलेट पेपर मिलेगा जिस पर मतदाता वोट करेगा, उसके कलर की बात की गई है। तो सब जो सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य की बात, यानी कि BDC की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इसके लिए जो मत है वो नीला रखा गया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो बी होगा, नीला मतपत्र मिलेगा। अब सफ़ेद किसको मिलेगा इसको हम लोग देखते हैं। तो जो सफ़ेद आपका मिलेगा वो सदस्य ग्राम पंचायत के लिए, यानी कि सदस्य के लिए, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए। और इसके बाद गुलाबी की अगर हम बात करें तो गुलाबी आपका जिला पंचायत सदस्य के लिए, और हरे की अगर हम बात करें तो प्रधानी के लिए, यानी कि ग्राम पंचायत प्रधान के लिए आपका हरा रंग का बैलेट पेपर मिलेगा। इसके बाद पाँचवें प्रश्न की हम लोग देखते हैं, तो यही पांचवा प्रश्न है कि ग्राम पंचायत प्रधान के लिए कौन सा रंग निर्धारित किया गया है। तो ग्राम पंचायत प्रधान के लिए हमने बताया आपको हरा रंग, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, हरा रंग इसके लिए निर्धारित किया गया है। अब चलते हैं छठवें प्रश्न की ओर, तो यहां पर जो छठवां प्रश्न है वो है, सदस्य ग्राम पंचायत के लिए क्या रंग निर्धारित किया गया है। तो सदस्य ग्राम पंचायत, मैंने आपको सभी रंगों का डिटेल दिया, तो सदस्य ग्राम पंचायत की बात करें तो इसके लिए सफ़ेद रंग को निर्धारित किया गया है। तो इसका उत्तर जो होगा वो आपका डी उत्तर सही होगा। अब चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर, और सातवां प्रश्न है, सदस्य जिला पंचायत के लिए कौन सा रंग निर्धारित किया गया है। तो सदस्य जिला पंचायत की बात करें तो इसके लिए गुलाबी रंग को निर्धारित किया गया है। अब चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर, और आठवां प्रश्न हमारा कहता है कि किन स्थितियों में 3 मतपेटिका दी जाएंगी। वैसे जनरली क्या होगा कि 2 मतपेटिकाएँ ही हर पोलिंग बूथ के लिए दी जाएंगी, लेकिन कौन सी ऐसी स्थिति होगी जब 3 मतपेटिकाएँ दी जाएंगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, 4 पदों स्थानों के निर्वाचन होने की स्थिति में जब प्रत्याशियों की संख्या अधिक हो। अब बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की, तो प्रत्याशियों को उनकी चुनाव चिन्ह किस प्रकार से आवंटित किए जाते हैं। तो इसका उत्तर हमें पता हो ना हो, ये इतना आवश्यक क्वेश्चन नहीं है। तो वर्ण क्रम के उनके नाम के अनुसार, इनके नाम की जो वर्णमाला के अनुसार ही निर्धारित किए जाते हैं।
10 नंबर प्रश्न है, मतपत्र जारी करते समय मतदाताओं के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान किस पर लिए जाते हैं? तो ये प्रतिपर्ण जो होते हैं जिनसे बैलेट पेपर को फाड़ करके दिया जाता है, तो उन प्रतिपर्णों पर अंगूठा निशान या हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, मतपत्र के पीछे रबर की सुवेदक सील के बीच नीचे किस अधिकारी के साइन होते हैं? तो सुवेदक जो सील होती है वो मतपत्र में पीछे लगाई जाती है, तो इसमें जो साइन होते हैं वो पीठासीन अधिकारी के साइन होती है, इसलिए इसका जो बी उत्तर है बी वो इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और जो नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, उसमें जो पूछा गया है वो चिन्ह उंगली पर जो निशान लगाने के लिए मतदाता की मध्यमा पर अमिट स्याही कब लगाई जाएगी? देखिए जो रूल होता है, तो सबसे पहले तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर पर लगाई जाएगी, उसके बाद में मध्यमा पर, उसके बाद में क्रम से बढ़ते जाएंगे, जैसे पहली उंगली नहीं है तब दूसरी पर, दूसरी नहीं है तो तीसरी पर, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बाएँ हाथ की तर्जनी उंगली ना होने की स्थिति में हम मध्यमा उंगली पर चिन्ह लगाएंगे, निशान बनाएंगे स्याही से। 13 नंबर प्रश्न है, मतांकन किस अधिकारी द्वारा दिए गए एरो क्रॉस रबर सील से किया जाएगा? तो देखो मतांकन जो है वो निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है। आप निर्वाचन अधिकारी जिला में कौन है, जिलाधिकारी है या कोई और है? तो यहाँ पर पद की अगर हम बात करें तो निर्वाचन अधिकारी रहता है। बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पर जो 14 नंबर प्रश्न है ये थोड़ा और अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको हम देखते हैं ये क्या मायने रखता है। तो मतदान का समय क्या रहेगा? यदि आपने पीडीएफ देखी हो, पढ़ी हो, तो उसमें मतदान का जो समय दिया गया है वो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक का निर्धारित किया गया है, यानी कि यहाँ पर जो उत्तर है वो भी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, तो 15 नंबर में है प्रधान ग्राम पंचायत के लिए फॉर्म का मूल्य व प्रतिभूति धनराशि कितनी तय की गई है? तो प्रधान के लिए अगर धनराशि की बात करें और हम फॉर्म की बात करें, तो प्रधान के लिए जो फॉर्म है वो 300 रुपये का होगा, और जो प्रतिभूति राशि है यानी कि जमानत राशि जिसे कहते हैं वो आपका 2000 रुपये होगा। तो इसका सही उत्तर है वो ए नंबर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 16 की ओर चलते हैं, और 16 नंबर प्रश्न में है सदस्य जिला पंचायत के लिए प्रतिभूति धनराशि व अधिकतम व्यय कितना निर्धारित किया गया है? तो सदस्य जिला पंचायती के लिए जो अधिकतम जमानत राशि है वो 4000 रुपये, और जो खर्चा है वो 1.5 लाख रुपये तक कर सकते हैं, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते 17 नंबर प्रश्न की ओर, 17 नंबर प्रश्न है टेंडर वोट का एक अन्य क्या नाम है? तो टेंडर वोट, जैसा कि हम जानते हैं टेंडर वोट को निविदित वोट भी कहते हैं, तो इसका जो पहला उत्तर है वो सही है। और साथ ही साथ बता दूं कि इसमें जो भी कोई समस्याएं हैं निर्वाचन के दौरान आने वाली हैं उनसे संबंधित, जैसे टेंडर वोट है, निविदित वोट, अभ्याक्षेपित वोट, तो इनसे संबंधित मैं डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाता रहूँगा एक एक करके, कि कौन सी ये जब आप मतदान करवाने जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें, यानी कि किन जरूरतों को आवश्यकताओं के अनुसार वीडियो आती रहेगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के मत पत्रों की सील कैसी होगी? तो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए जो सील होगी वो डबल होगी, यानी कि दोहरे बॉर्डर वाली होगी, तो इसका उत्तर बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 की ओर, तो 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है प्रत्येक पद या स्थान पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की कितनी प्रमाणित सूचियां पीठासीन अधिकारी को दी जाएंगी? तो यहाँ पर 3 दी जाएंगी, तो इसलिए इसका डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न नंबर 20 की ओर, और 20 नंबर जो प्रश्न है उसमें मतदान स्थल के इर्द गिर्द कितने मीटर की सीमा के भीतर मतदान के दिनांक को किसी भी प्रकार से प्रचार नहीं किया जाना चाहिए? तो जो हाँ मतदान केंद्र होगा उसके 200 मीटर के अंदर अंदर कोई किसी प्रकार का प्रसार नहीं किया जाएगा, तो इसका डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, मतपत्र को किस तरह से मोड़ा जाएगा? तो मतपत्र को मोड़ने का जो सही तरीका होता है वो होता है पहले खड़ा और बाद में पड़ा मोड़ा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं यानी कि 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न है मतदान प्रारंभ होने से पूर्व जो पीठासीन अधिकारी होगा उसके द्वारा एक घोषणा प्रपत्र भरा जाएगा, वो कौन सा होगा, किस नंबर का घोषणा पत्र भरा जाएगा? तो ये जो मतदान प्रारंभ होने से पूर्व जो घोषणा पत्र भरा जाएगा वो प्रपत्र नंबर 25 होगा, यानी कि 25 नंबर प्रतिपत्र को यहाँ पर भरा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 23 नंबर, मतपेटी तैयार करने का कार्य मतदान प्रारंभ करने के लिए निर्धारित समय के कितने मिनट पहले शुरू कर देना चाहिए? तो ये 20 मिनट पहले हमें कार्य शुरू कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 24 नंबर,
किसी व्यक्ति की मतदाता होने के संबंध में की गई आपत्ति पर कब विचार किया जाएगा? तो ये जब आपको 5 रुपये की शुल्क यहाँ पर जमा करनी होगी, तो उसके बाद में उस पर आपत्ति कर सकते हैं। 5 रुपये की रसीद यहाँ पर कटानी होगी। और यदि वो जो मतदाता सही बैलेट पाया गया है तो आपकी 5 रुपये की जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा, और यदि मतदाता गलत पाया गया यानी कि आपकी आपत्ति सही पाई गई तो आपके 5 रुपये वापस कर दिए जाएंगे और मतदाता को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 यानी कि 25 नंबर, निवदत्त मतपत्रों को गणना में शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, कर भी सकते नहीं भी कर सकते। तो वैसे सामान्यतः इसका प्रयोग इसका गणना में उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब ऐसी कंडीशन आती है कि 2 प्रत्याशी बराबर मतों पर आ जाते हैं तब इनकी गणना की जाती है। इन्हें मतपेटी में नहीं डाला जाता है, इन्हें अलग लिफाफे में रखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 26 की ओर, और नेक्स्ट जो 26 नंबर है, मतपत्र लेखा के किस क्रमांक में संबंधित निर्वाचन के लिए प्राप्त कुल मतपत्रों की संख्या लिखनी होती है? तो जो संबंधित मतपत्रों की जो संख्या है वो क्रमांक नंबर 1 पर लिखनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है उन मतपत्रों का हिसाब मतपत्र लेखा के किस क्रमांक में देना होगा जो प्रयोग में तो लाए गए हों परंतु मतदाता द्वारा मत पेटी में नहीं डाले गए हों? तो ऐसे क्रमांक नंबर 2 में आएंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा 27 नंबर का वो होगा 2 यानी कि ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 28 नंबर, तो 28 में क्या है इसको समझते हैं। आपत्तिकृत मतों की सूची किस प्रपत्र में है? तो आपत्तिकृत जो मत हैं उनकी सूची की अगर हम बात करें तो वो प्रपत्र नंबर 29 यानी कि 29 में है। तो इसका सही उत्तर ये है। नेक्स्ट 29 नंबर है, मतदान अभिकर्ता जो एजेंट होगा पोलिंग पर उसके नियुक्ति पत्र का जो प्रारूप है वो किस में दिया गया है? तो ये प्रारूप दिया गया है आपको प्रारूप नंबर प्रपत्र नंबर 24 में। तो इसका डी उत्तर सही है। नेक्स्ट 30 प्रश्न की ओर चलते हैं, मतपत्र एवं एरो क्रॉस सील का प्रभारी कौन होता है? मतपत्र और एरो क्रॉस सील उसका प्रभारी जो है वो द्वितीय मतदान अधिकारी होता है, यानी कि हम आपको यहाँ पर इसे सही करके चलते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो एरो क्रॉस सील होती है वो जहाँ पर बूथ बना होता है जहाँ पर मत दिया जाता है वहाँ पर ही रख दी जाती है, लेकिन सही मायने में जो होता है वो द्वितीय मतदान अधिकारी ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका वो है मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र किस प्रपत्र संख्या में है? तो मतदान ड्यूटी का जो प्रपत्र है वो 39 नंबर में है यानी कि सी इसका उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, प्रपत्र 35 में किसका उल्लेख है? ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे जानना आवश्यक है। जो पीठासीन की डायरी होती है वो इसी में आती है, यानी कि इसका सी उत्तर सही है, पीठासीन अधिकारी की डायरी। नेक्स्ट चलते हैं 33 प्रश्न की ओर, 33 नंबर में मतदान की प्रक्रिया किस नियम में उल्लिखित है? तो मतदान की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ये नियम नंबर 24 में उल्लिखित है, तो इसका सी उत्तर सही है। नेक्स्ट चलते हैं 34 की ओर, और 34 है मत पेटियां किस नियम के अंतर्गत आती हैं? तो मत पेटियां 26 नंबर रूल के अंतर्गत आती हैं, यानी कि यहाँ पर बी उत्तर सही है। नेक्स्ट की ओर चलें यानी कि 35, मतदान की गोपनीयता के लिए व्यवस्था किस नियम में है? तो मतदान की जो गोपनीयता रखने के लिए इसकी जो व्यवस्था की गई है वो नियम नंबर 28, सी नंबर इसका विकल्प सही है। नेक्स्ट 36 नंबर, और 36 से मत पेटी का प्रभारी कौन होता है? तो तृतीय मतदान अधिकारी जो होता है वो मत पेटी का प्रभारी होता है, तो यहाँ से सही उत्तर डी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट 37 नंबर है, पोलिंग पार्टियों की रवानगी किस दिन होगी? तो जिस दिन मतदान होना है उससे ठीक एक दिन पूर्व, यानी कि पहला वाला उत्तर इसका सही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है आपका 38 नंबर प्रश्न, 38 में मतदाता मतपत्र पर किस प्रकार की सील से मत अंकित करेगा? तो ये एरो क्रॉस सील आपको मिलेगी उसके द्वारा ये वहाँ पर अंकित करेगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, यानी कि 39 नंबर जो प्रश्न है वो पीठासीन अधिकारी द्वारा कौन सी घोषणा नहीं की जाएगी? तो पीठासीन अधिकारी द्वारा जो मेरे ख्याल से देखो मतदान यहाँ पर अगर हम देखें मतदान पूर्व घोषणा पेटी द्वितीय पेटी अगर प्रयोग में लाई जा रही है तो उसकी भी घोषणा और मतदान समाप्ति सभी घोषणाएं करेगा, लेकिन जो मत पेटी जमा करने की घोषणा है ये कहीं पर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट और अंतिम जो प्रश्न आता है वो है मतपत्र के पीछे सुभिन्नक सील के नीचे किस अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ पीठासीन अधिकारी के ही साइन होते हैं, तो यहाँ पर ए उत्तर सही है। तो यहाँ पर धन्यवाद लिख कर आ गया, और हम आपको दिखा दें ये जो बनाकर प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है वो शाहजहाँपुर की टीम द्वारा तैयार की गई है।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और इन उत्तरों को आपको समझ आया होगा। यदि समझ आए तो लाइक ज़रूर दें, और किसी भी अन्य समस्या के लिए, किसी भी प्रशिक्षण से संबंधित कोई क्वेश्चन यदि आपके दिमाग में, मन में है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा।